हेलो साथियों, नमस्कार। आज हम जो प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन था मोनेरा कर लिया था। मोनेरा में जो जीव थे उसका पूरा डिटेल बताया था। उसका अब आगे नेक्स्ट जो किंगडम है वो प्रोटिस्टा है। पांच जगत प्रणाली के अकॉर्डिंग प्रथम जगत था मोनेरा, दूसरा जगत है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है? ध्यान से इस वीडियो को देखिए और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसमें आपका प्राइमरी जो नॉलेज है, डीपली नहीं कह सकते हैं। डीपली का मतलब आप 11th 12th बायो के स्टूडेंट हैं तो पढ़ेंगे, अगर बायो के स्टूडेंट हैं तो भी आपकी जो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आप आर्ट्स के या कॉमर्स के या इंजीनियरिंग के या कुछ नॉर्मल साइंस के हैं आप, तो आप इसको पढ़ करके अपना नॉलेज एनरिच कर सकते हो, बढ़ा सकते हो और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सवाल जो क्वेश्चन आंसर है वो क्रैक कर सकते हो, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो सेकेंड किंगडम है आपका वो प्रोटिस्टा है। कौन सा किंगडम? प्रोटिस्टा। ये पांच जगत प्रणाली का दूसरा किंगडम है। इसमें जो प्रोटिस्टा में शामिल कौन कौन से किए जाते हैं जीव जो है ना, वो एक तो डायनोफ्लेजिलेट्स है, क्रिस्टोफाइटीज है, यूग्लिनॉइड्स है, स्लाइम मोल्ड्स है और प्रोटोजोन्स है। प्रोटोजोन्स देखिए यहाँ पे, प्रोटोजोन्स का मतलब ये जीव है। आप जो फाइलम एनिमल किंगडम में रखते हैं प्रोटोजोन्स को, लेकिन प्रोटिस्टा में इसका अभी जो आजकल इसको प्रोटिस्टा में रखा जाता है। पहले के टाइम में टू किंगडम सिस्टम में इसको जंतुओं मानते थे, ठीक है? इसका जो मेन कैरेक्टर है वो क्या होता है, एसेलुलर होता है। क्या होता है? एसेलुलर होता है और यूकैरियोट है। क्या है? एसेलुलर और यूकैरियोट है। एसेलुलर का मतलब देखो, स्पेलिंग अगर देखेंगे तो ए सेल्यूलर, ठीक है? ए सेलुलर मतलब, ए मतलब एक, सेलुलर मतलब कोशिका, मतलब एक कोशी के जीव है और ये यूकैरियोट है। यूकैरियोट का मतलब क्या होता है, कोशिका वेल डिफाइंड होती है, वेल डिफाइंड केंद्रक होता है, केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र में क्या होता है, गुणसूत्र होता है प्लस इसमें केंद्रिका होती है, केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और दूसरे जो भी सेल ऑर्गेनल्स है वो इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए इनको यूकैरियोट बोलते हैं। एक कोशिकीय के यूकैरियोट होते हैं और ज्यादा से ज्यादा ये मैक्सिमम किसमें रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं। क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, यानी जलीय होते हैं। क्या होता है? ये जलीय जीव होते हैं, मैक्सिमम 99% ये जल में रहते हैं, ठीक है? और प्रोटिस्टा को देखें तो ये क्या होते हैं कि एक ऐसे जीव शामिल किए जाते हैं जो लिंक बनाते हैं। लिंक का मतलब क्या, कुछ लक्षण इसमें प्लांट के भी पाए जाएंगे, कुछ लक्षण इनके जंतुओं के पाए जाते हैं, इसलिए ये जीव अन्य जंतुओं के साथ सेतु यानी लिंक बनाते हैं। जैसे यूग्लिना की बात करें तो वो जंतु जगत और पादप जगत का क्या है, लिंक है, संयोजक कड़ी है। इसी प्रकार के बहुत सारे जीव होते हैं जो इसमें प्रोटिस्टा में रहते हैं, ठीक है? देखो मैंने एक अलग जो इंक से लिखा है, प्रोटिस्टा जो किंगडम है उसकी सीमाएं परिभाषित नहीं है। क्या मतलब इसका, सीमाएं परिभाषित नहीं है मतलब क्या होता है, कभी इनको अपन जीवों में रख देंगे, कभी इनको पौधों में रख देंगे, कभी इनको फंजाई में रख देंगे, कभी इनको शैवाल में रख देंगे। तो ये अब वेल डिफाइंड हो गया, क्योंकि पहले जो माइक्रोस्कोप वगैरह जो इतनी डेवलप नहीं थी, उसके बाद माइक्रोस्कोप आ गए तो अब इसमें प्रोटिस्टा में इसको रख दिया गया, ठीक? इसकी सीमाएं डिफाइंड ही, इसका जो आप आगे क्वेश्चन बनेंगे उसका आंसर इसी लाइन से मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद में अगर इसका नेक्स्ट कैरेक्टर देखें, लक्षण देखें, प्रोटिस्टा जगत में जन्म अलैंगिक और लैंगिक विधि से हुआ होता है, ठीक है? प्रोटिस्टा जगत के जीव जो भी है आपका, जो चाहे स्लाइम मोल्ड हो, यूग्लिनॉइड हो या फिर दूसरे जो है ना डायनोफ्लेजिलेट्स हो, प्रोटोजोन्स हो, उसमें अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, लैंगिक और अलैंगिक जनन होता है, लेकिन दो प्रकार का। कैसे? एक तो द्विविखंडन से होता है, द्विखंडन से होता है, दो टुकड़े हो जाते हैं। एक जीव है आपका, उसको थोड़ी मैच्योर होने के बाद में उसको दो भागों में बंट जाता है, इसको बोलते हैं द्विखंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वि मतलब दो, खंड मतलब भाग, ठीक है? और दूसरा क्या होता है, बीजाणु निर्माण द्वारा होता है, एलिंगिक जनन बीजाणु निर्माण द्वारा भी हो सकता है। दूसरा देखिए, जो लैंगिक जनन है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिस्टम, वो या मैंने स्टार लिखा है, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंस है, याद रखना। क्यों है? क्योंकि जीवों में सर्वप्रथम सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से हुआ था, प्रोटिस्टा किंगडम से हुआ, ये इसलिए मैंने स्टार लगाया है। ध्यान से देखिए, अगर आपको सवाल पूछे कि जीव जगत में, प्लांट और एनिमल दोनों में, जीव जगत में जो लैंगिक जनन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, लैंगिक जनन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो प्रोटिस्टा किंगडम से हुई, ठीक है?
और लैंगिक जनन जो होता है दो प्रकार का होता है, सम युग्मकी और असम युक्ति, सॉरी तीन प्रकार का होता है, एक तो सम युग्मकी और एक क्या होता है असम युग्मकी और एक उगैमी अंडयुग्मकी होता है, ये तीन प्रकार से होता है, इनको बोलते हैं आइसोगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम युग्मकी को आइसोगैमी बोलते हैं और असम युग्मकी को बोलते हैं एन आइसोगैमी बोलते हैं, एन आइसोगैमी बोलते हैं, एन आइसोगैमी बोलते हैं। और ये क्या होता है अंडयुग्मकी मतलब उगैमी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उगैमी बोलते हैं, उगैमी याद रखना इसको उगैमी, ये एक स्पेलिंग बनती है इसका, मैं कहीं और जिक्र करूंगा इसका, उगैमी बोलते हैं ठीक है। आइसोगैमी में क्या होता है युग्मक बनते हैं और वो युग्मक वापस फ्यूजन होकर के नया जीव बनाते हैं। ऐसा युग्मकी क्या होता है जिसमें दो भिन्न प्रकार के युग्मक बनते हैं, दो भिन्न प्रकार, एक छोटा बनेगा एक बड़ा बनेगा, उसको ऐसा युग्मकी बोलते हैं। उगैमी में क्या होता है उगैमी एक डेवलप प्रकार की ऐसा युग्मकी है, एक विकसित प्रकार की क्या होती ये ऐसा एन आइसोगैमी होता है। इसमें क्या होता है जो नर बीजाणु होता है नर युग्मक होता है वो गतिशील होता है और जो मादा युग्मक होता है जिसको अंडाणु बोलते हैं वो गतिशील नहीं होता है, और पानी की उपस्थिति में जब निषेचन होता है तो इस प्रकार के जनन को बोलते हैं उगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उगैमी बोलते हैं। ये मोटा मोटा याद रख लेना। अब अगर इसको बोले कि इनका जीवन चक्र कैसा होता है कि किस अवस्था में ये द्विगुणित होते हैं किस अवस्था में ये अगुणित होते हैं, तो इनका जीवन चक्र जो है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो हेप्लोन्टिक टाइप, कौन सा? हेप्लोन्टिक टाइप, ये इसको बोलते हैं अगुणित। क्या बोलते हैं? अगुणित बोलते हैं। एन अवस्था होती है, कायिक अवस्था होती है, एन यानी इसमें द्विगुणित अवस्था नहीं, कायिक अवस्था जो अगुणित होता है वो क्या अपना डोमिनेट करती है, क्या करती है? डोमिनेट करती है ठीक है। और उसके बाद दूसरा डिप्लोन्टिक टाइप का मतलब द्विगुणित अवस्था डोमिनेंट करती प्रभावी होती है ठीक है। ये जीवन चक्र दो प्रकार का होता है ठीक है। अब ये तो आपका जीवन चक्र हो गया हेप्लोन्टिक और डिप्लोन्टिक। इसके बाद में ये तो मैनमैन कैरेक्टर हो गए। अब इसका क्लासिफिकेशन आगे इनको क्लासिफाई करें विभाजित करें तो इसकी जो पहला डिविजन आएगा प्रभाग आएगा वो प्रायोफाइटा आएगा। क्या आएगा? प्रायोफाइटा, याद रखना प्रायोफाइटा आएगा। इसको क्लास डायनोफाइसी में और आगे विभक्त कर सकते हैं, इनको वर्गीकृत क्लासिफाई कर सकते हैं ठीक है। किसमें? डायनोफाइसी में। और इसका एग्जांपल है आपका डायनोफ्लेजिलेट्स। एग्जांपल क्या है? डायनोफ्लेजिलेट्स। डाई का मतलब दो और फ्लेजिलेट का मतलब धागे, दो धागे होते हैं इसमें। क्या होते हैं? दो धागे होते हैं ठीक है। ये होलोफाइटिक होता है, होलोफाइटिक होता है। क्या होता है? होलोफाइटिक यानी पादप के समान भोजन बनाता है। कौन? डायनोफ्लेजिलेट्स। ये अपना खुद फोटोसिंथेसिस करता है और भोजन बनाता है, इसको बोलते हैं होलोफाइटिक। उदाहरण कौन सा है? सीरेटिनम, ये एग्जांपल है इसका। और दूसरा है गोनियोलेक्स और जिम्नोडिनियम, ये तीन जीव है इसमें डायनोफ्लेजिलेट में ठीक है। इसको मैंने स्टार बनाया था, आगे बता दूंगा क्या है ये ठीक है। अगर इसकी संरचना देखे डायनोफ्लेजिलेट की, क्या देखे? स्ट्रक्चर देखे, तो इसकी क्या होती देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर में आपकी सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो प्लेट्स में विभाजित होती है, प्लेटों में विभाजित रहती है ठीक है। और ये सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी होती है, इसीलिए इनको प्लांट में रखा जाता है। प्लांट होते हैं उसके लिए इनको सेलुलोज की कोशिका भित्ति होना जरूरी है ठीक है। और ये कवच युक्त होती है, क्या होती है? कवच युक्त होती है। इसलिए क्या बोलते हैं इनको? आर्मर्ड एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्मर्ड एल्गी। अब आप सवाल उठाएंगे सर इसको एल्गी क्यों कहते हैं, एल्गी क्यों कहते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि आप ये क्वेश्चन मत करना, प्रोटिस्टा जगत की सीमाएं डिफाइंड नहीं है, कभी इसको एल्गी में भी डिवाइड कर सकते हैं, कभी जो फंजाई उसमें भी कर सकते हैं ठीक है। और इसमें डायनोफ्लेजिलेट में क्या होता है? चाबुक गति होता है, चाबुक टाइप की गति होती है। देखो स्ट्रक्चर बना के मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। ये आप जो रेड कलर के हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए और समझिए, और अगर समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट्स में डाल के, कमेंट्स लिख करके मेरे को पूछ सकते हैं, मैं आपको वापस अच्छी तरीके से समझा दूंगा। अब देखिए इसमें जो इसका स्ट्रक्चर अगर देखें ना इनका डायनोफ्लेजिलेट का, ये ऐसे होता है ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। और इसकी जो कोशिका भित्ति है इसमें ये
पट्टियां प्लेट्स होती हैं, ठीक है, और इसके एक अक्ष पे क्या होता है, एक जो आपका फ्लैजिला होता है, और एक इसके जो खांच जो खांचा बनता है यहाँ पे दीवार बनती है, यहाँ से एक फ्लैजिला निकलता है, ठीक है, ऊपर वाला मूवमेंट करता रहता है और नीचे वाला ऐसे चाबू की तरह हिलता रहता है, चाबू की तरह हिलता रहता है, इसीलिए इसमें एक विशेष प्रकार की गति पाई जाती है जिसको बोलते हैं चाबुक गति। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखो व्हर्लिंग, WORLING, व्हर्लिंग व्हिप्स बोलते हैं, व्हर्लिंग व्हिप्स बोलते हैं, इसको नोट कर लेना, ठीक है। डायनोफ्लेजिलेट में दो प्रकार के फ्लेजिला होते हैं, इस कारण एक विशेष प्रकार की गति होती है, उसको बोलते हैं चाबुक गति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चाबुक गति बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं व्हर्लिंग व्हिप्स बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है बहुत। और ये जो आपके कहते हैं 5 या 2% बच्चे ही, स्टूडेंट ही इसका रिप्लाई दे पाते हैं अगर क्वेश्चन आया तो, ठीक है। ये आर्म्ड एल्गी कहलाते हैं, चाबुक गति होती है, स्पेशल प्रकार की गति होती है, और इनमें जो डायनोफ्लेजिलेट में फूड होता है, फूड स्टोर किसके रूप में होता है, स्टार्च, उसको मड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मड, स्टार्च के रूप में इनमें भोजन संचयित होता है, स्टार्च के रूप में क्या होता है, भोजन संचय होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन, मंड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मंड बोलते हैं, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसका, डायनोफ्लेजिलेट का, डायनोफ्लेजिलेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, वो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन जीवों में डायनोफ्लेजिलेट में जैव प्रदीप्ति पाई जाती है। जैव प्रदीप्ति का मतलब क्या होता है, जैव प्र दीप्ति, जीव प्रदीप्ति मतलब कि जीवों के द्वारा जब प्रकाश उत्पन्न किया जाता है होता है, उसको जीव प्रदीप्ति बोलते हैं। ये मुख्य किसका है आपका, डायनोफ्लेजिलेट का करैक्टर है, किसका, डायनोफ्लेजिलेट का करैक्टर है, और क्यों, क्योंकि इनकी कोशिका ध्रुव में, इनके साइटोप्लाज्म में, किसमें, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, विशेष प्रकार के कण पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के कण पाए जाते हैं, उन कणों के कारण इसमें जीव, इन पर जब प्रकाश पड़ता है सूर्य का, चंद्रमा का प्रकाश, चमकते हैं, क्या चमक, ये इनमें कणों में चमक उत्पन्न होती है, इसलिए ये जीव डायनोफ्लेजिलेट जीव प्रदीप्ति से करते हैं, इसीलिए ही इनको क्या बोलते हैं, नाइट लाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, NIGHT, नाइट लाइट बोलते हैं इनको, किनको बोलते हैं, ये डायनोफ्लेजिलेट को, किसको बोलते हैं, याद रखना डायनोफ्लेजिलेट को नाइट लाइट भी बोलते हैं। और अब जब समुद्री मछुआरे या फिर जो यात्री होते हैं समुद्र, दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि समुद्र में आग लगी हुई है, क्या लगी हुई है, आग, इसीलिए डायनोफ्लेजिलेट को, किसको, डायनोफ्लेजिलेट को फायर एल्गी भी बोलते हैं, फायर एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने स्टार बनाया, देखो ये स्टार, इस पर गोनियोलेक्स को बनाया, किसको, गोनियोलेक्स को बनाया, क्योंकि इसमें रेड टाइड होते हैं, ये इसमें लाल रंग के वर्णक होते हैं, और ये जो ज्वार भाटा आता है ना, इसी का ही नाम है रेड टाइड, रेड इसमें कलर होता है, और दूर से देखने पर रेड दिखाई देता है, और टाइड यानी लहरें दिखाई देती है, ज्वार भाटा आना, ये रेड किसके कारण होता है, गोनियोलेक्स के कारण होता है, याद रखना गोनियोलेक्स के कारण ही समुद्र में उनको ऐसा लगता है कि रेड टाइड आ गए आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे आपको और पॉइंट बताना चाहता हूँ, ये दोनों एल्गी, सॉरी ये डायनोफ्लेजिलेट्स, कौन सा, गोनियोलेक्स और जिम्नोडिनियम, ये दोनों क्या करते हैं, समुद्र में एक विषैला पदार्थ स्त्रावित करते हैं, सीक्रेट करते हैं, टॉक्सिस स्त्रावित करते हैं, जो मछुआरों या मानव में क्या करता है, पैरालिसिस कर देता है, क्या कर देता है, पैरालिसिस कर देता है, और ये समुद्री जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं, हानि पहुंचे दोनों ये विषैले जीव है, गाइनोलेक्स भी और जिम्नोडिनियम भी, ये दोनों क्या होते हैं, विषैले जीव है, विषैले डायनोफ्लेजिलेट है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, डायनोफ्लेजिलेट हो गया, याद रखना चाबुक गति, जीव प्रदीप्ति, जीव प्रदीप्ति। इसके बारे में आपको एक और दूसरा पॉइंट बताता हूँ कि जंतु जगत में टीनोफोरा, जंतु जगत में टीनोफोरा के जीव भी क्या बोलते हैं, जीव प्रदीप्ति शो करते हैं, डायनोफ्लेजिलेट भी जीव प्रदीप्ति शो करते हैं, ठीक है। तो आपका अगर कंपेयर का सवाल आए कि सुमेलित कीजिए, 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दे देंगे, फिर ऐसे दे देंगे उसके भाई इसमें होता है, तो इसमें याद रखना जीव प्रदीप्ति क्या होती है, एक तो आपका डायनोफ्लेजिलेट शो करते हैं और दूसरा कौन करता है, टीनोफोरा के जीव, जीव प्रदीप्ति शो करते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर, आगे चलते हैं। इसकी जो प्रोटिस्टा जो फाइव आपका किंगडम है, उसके नेक्स्ट जो प्रभाग है, डिवीजन है, वो क्या है, क्राइसोफाइटा, क्या है, क्राइसोफाइटा। इसमें भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे,
इसमें डाई एटम्स शामिल है, डाई एटम्स और सुनहरे शैवाल जिसको गोल्डन एल्गी बोलते हैं वो शामिल है। ठीक है, अब इनको वो डाइटम्स जो क्रिसोफाइटा की जो डिवीजन की आकृति कैसी होती है, डाइटम्स की या सुनहरे शैवाल की आकृति विभिन्न प्रकार की होती है, कैसे आप वर्ताकार भी हो सकती है, सर्कुलर हो सकती है, कैसी आकृति हो सकती है, वर्ताकार हो सकती है, वर्गाकार हो सकती है, ठीक है, और आयताकार भी हो सकती है, आयताकार भी हो सकती है, और त्रिभुजाकार भी हो सकती है। इनकी आकृति कैसी, त्रिभुजाकार, विभिन्न प्रकार की आकृति शो करता है, भिन्न भिन्न प्रकार की यानी वेरिय जो आपका शेप एंड साइज है उसकी वेरियस प्रकार की हो सकती है। ठीक है, और इसकी जो सेल वॉल है, किनकी डायटम्स और सुनहरे शैवालों की सेलुलोज बनी होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, सेल वॉल सॉरी सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, समझ में आ गया। इसका आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इनकी कोशिका भित्ति जो सेलुलोज की बनी होती है उसमें क्या डाले मिलते हैं, मिल जाते हैं, इसमें सिलिका का भी जमाव हो जाता है, सिलिका SI, सिलिकन जो है ना उसका जमा हो जाता है। आपको पता है कि SI क्या है, सिलिकन है, और सिलिकन को रेत बोलते हैं, मिट्टी, क्या बोलते हैं, रेत मिट्टी बोलते हैं। इनकी कोशिका भित्ति में जमी रहती है, इसीलिए जब ये मर जाता है तो समुद्र के नीचे तल में जाकर के जमा हो जाता है और एक सरफेस धरातल बनता है, क्या बनती, अर्थ बनती है, इसको बोलते हैं डाइटोमाइट, डाइएटोमाइट बोलते हैं या डाइएटोमियेसियस अर्थ बोलते हैं, याद रखना इसको, स्पेलिंग क्या है, डाइएटम मेसी ओयूएस ओयूएस अर्थ बोलते हैं, ERTH अर्थ किसको बोलते हैं, डाइटम्स के मरने के बाद समुद्र तल पर जमा हो जाती है क्योंकि इसमें सिलिका पाई जाती है, इस कारण वो एक धरातल बन जाता है, धरती बन जाती है, सरफेस बन जाती है, इसको डाइटेमाइट बोलते हैं या डाइटेनियस अर्थ भी बोलते हैं। जब ये जैसे एक बार कुछ जो आपका ये डायटम्स मर गई तो यहाँ से क्या बन जाती है, परत बन जाती है, परत के ऊपर परत बन जाती है ऐसी, ठीक है, दीवार बन जाती है, इसको बोलते हैं किशल घर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किशल घर बोलते हैं, किशल घर बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, अगर टफ कॉम्पिटिशन एग्जाम हो रहा है तो ये सवाल यहाँ से बनता है, ये किशल घर जो प्रकृति कौन शो करता है, ये डायटम्स करते हैं, डायटम्स करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि कोशिका भित्ति भी क्या होता है, सिलिका जमी होती है, सिलिका जमी होती है, याद रखना ये किशल घर ये होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, मुख्य उत्पादक होते हैं, क्या होते हैं, मुख्य उत्पादक, मुख्य उत्पादक का मतलब होता है, मुख्य क्यों बोलते हैं, आपको पता है कि इस पृथ्वी पर 71% तो वाटर है और 21 या 29% क्या होता है, लैंड है, क्या है, अर्थ है, ठीक है, भूभाग है, तो 71% पानी के कारण ये पानी में ही पाए जाते हैं, और मैक्सिमम ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन जो आपका प्रकाश संश्लेषण करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, चीफ प्रोड्यूसर, मुख्य उत्पादक होते हैं, मुख्य उत्पादक होते हैं। भोजन का संचय किसके रूप में होता है, ल्यूकोसिन और ऑयल के रूप में होता है, ये सवाल भी बनता है, क्या बनता है कि इन डाइएटम्स में क्या होता है, भोजन का संचय किसके रूप में होता है, ल्यूकोसिन प्लस ऑयल के रूप में होता है। ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट है आपका इसका, डाइएटम्स या सुनहरे शैवालों का, इसमें डायटम्स में जनन के समय एक विशेष प्रकार के स्पोर बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, विशेष प्रकार क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, और इन बीजाणु को क्या बोलते हैं, ऑक्सोस्पोर बोलते हैं। जनन के समय डायटम्स में एक विशेष प्रकार के स्पोर बनते हैं, इन स्पोर को क्या बोलते हैं, ऑक्सोस्पोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सोस्पोर बोलते हैं, याद रखना इसको, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ऑक्सोस्पोर, स्पोर का मतलब होता है बीजाणु, विशेष प्रकार के बीजाणु बनते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ऑक्सोस्पोर बोलते हैं। अब आपको पूछे कि डायटम्स का उपयोग क्या है, जो यूजफुल एक्टिविटीज क्या है, तो डायटम्स आपको पता है सेलुलोज की भित्ति होती है, सिलिका भी बनी होती है, तो ये साउंड प्रूफिंग का काम करते हैं। साउंड का मतलब, जिस कोई अगर अच्छी बिल्डिंग है वहाँ पर नॉइज बहुत ज़्यादा आता है तो उनकी दीवारों पर क्या, इसको डायटम्स को लगा देते हैं, ये साउंड प्रूफिंग का काम करती है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिर्फ ऑयल के जो छानने में काम आती है, और स्टोन पॉलिशिंग के काम आती, पत्थरों की अगर पॉलिश करनी हो तो ये डायटम्स काम आती। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है स्टीम बॉयलर, कौन नेक्स्ट पॉइंट है आपका, स्टीम बॉयलर है, ये हीट इंसुलेटर होते हैं। हीट इंसुलेटर क्यों होते हैं, हीट इंसुलेटर मतलब होता है कि जो गर्मी को सोख ले, गर्मी को सोख ले, क्यों, क्यों आपको पता है कि इसकी जो कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और ये सेलुलोज क्या होता है, विद्युत का कुछ अलग होता है, ताप का कुछ अलग होता है, इसलिए इसको हीट इंसुलेटर के रूप में काम करते हैं।
दूसरी क्लास हो गई आपकी ग्रिसोफाइटा हो गया, जिसमें डायटम और सुनहरे शैवाल है, इसके ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं लेकिन वो आपके काम के नहीं हो सकते, बहुत कम काम के, इसलिए मैंने ये लिखा। ठीक है, इसकी सेलुलोज की बनी होती है, डायटम सुनहरे शैवाल होते हैं, डायटम जो कौन सी अर्थ बनती, किसे अलग होता है, चीफ प्रोड्यूसर होता है, भोजन इसमें होता है, उस पर बनता है, और ये याद कर लीजिए। ठीक है, आगे इसका डिवीजन कौन सा, यूग्लिनोफाइटा। नेक्स्ट डिवीजन कौन सा इसका, पहला हो गया आपका, दूसरा ये, तीसरा यूग्लिनोफाइटा, और इसका एग्जांपल कौन है, यूग्लिनोइड्स है, या इसको यूग्लिनोइड बोलते हैं, और एग्जांपल आपका यूग्लिना है। कौन है, यूग्लिना, आपको पता ही है यूग्लिना है क्या, यूग्लिना क्या है, नोट करने वाली बात, सदाबहार शैवाल है, यूग्लिना, यूग्लिना ये जंतु और पादपों के बीच, योजक कड़ी है, जोड़ने वाली कड़ी, योजक कड़ी है, नोट कर लेना इसको, हमेशा सवाल बनता है। ठीक है, और इसमें देखो यूग्लिनॉइड का, अगर यूग्लिनॉइड का अपन स्ट्रक्चर बनाए तो ये स्ट्रक्चर ये ऐसा बनेगा। ठीक है, इसमें ये फ्लैजिला होता है और बाकी सब ये केंद्रक हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया वगैरह सब चीजें होती है, और यहाँ पे एक संरचना पाई जाती है ब्लैक कलर की, क्या पाई जाती है, ब्लैक कलर की, ये यूग्लिना का एक टिपिकल स्ट्रक्चर बना है, इसको बोलते हैं आई स्पॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई स्पॉट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई स्पॉट बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलेंगे दर्क बिंदु, क्या बोलते हैं, दर्क बिंदु बोलते हैं इसको। ठीक है, अब कह सकते हैं कि सर ये आदिम आँख है, प्रिमिटिव आई है, प्रिमिटिव आई जो डेवलप जानवरों में आँख बनती है ना, वैसे वैसे यूग्लिना, ये यूग्लिना में क्या बनती है, आँख बन जाती है। ठीक है, और ये आई स्पॉट हो गया, और इसमें जो भोजन होता है ना स्टोर, वो किसके रूप में होता है, पैरामाइलियम, याद रखना पैरामाइलियम के रूप में भोजन किसमें होता है, यूग्लिना में संचित होता है, उसके साथ थोड़ा फैट पाया जाता है, फैट पाया जाता है, ये यूग्लिनॉइड है, ये क्या है, यूग्लिनॉइड है। उसके बाद में आपका एक छोटा सा और इसका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल रह गया है, जो नेक्स्ट क्लास है वो है स्लाइम मोल्ड की, स्लाइम मोल्ड की है। ठीक है, यूग्लिनॉइड के बाद में कौन आ जाएगी, स्लाइम मोल्ड, क्या आ जाएगा, स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड आते हैं, स्लाइम मोल्ड की स्पेलिंग देखो क्या है, एस एल आई स्लाइम मोल्ड। इसको स्लाइम मोल्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये जीव बनता है, जीव होता है, उसके चारों ओर क्या होती है, एक चिपचिपी सी दीवार बनती है, चिपचिपी सी लेयर बनती है। ठीक है, जो अपने श्लेष्मा की तरह लगी होती है, इसीलिए इनको स्लाइम मोल्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लाइम मोल्ड कहते हैं। इसका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता नहीं है। ठीक है, और ये कभी कभार क्या होती है कि कॉलोनी बना लेते हैं, एक स्लाइम मोल्ड का है तो फिर क्या बना लेते हैं, कॉलोनी बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, कॉलोनी, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं ये, और इसके चारों चिपके रहते हैं, क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं। ठीक है, और इसके चारों ओर की ये श्लेष्मा बन जाता है, इसको प्लाज्मोडियम कहते हैं, इस कॉलोनी को, इसको कॉलोनी को कहेंगे प्लाज्मोडियम, कंफ्यूज मत होना, क्या कहेंगे, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक जीव भी होता है, जो आप मलेरिया होता है उससे, लेकिन ये इनकी कॉलोनी को प्लाज्मोडियम बोलते हैं, और इनको फाल्स, क्या बोलते हैं, फाल्स फंजाई कहते हैं, याद रखना, स्लाइम मोल्ड को क्या कहते हैं, फाल्स फंजाई कहते हैं। ठीक है, ये आपका प्रोटिस्टा हो गया, ये क्या हो गया, प्रोटिस्टा के पूरे चार एग्जांपल है वो मैंने बता दिया आपको। ये प्लांट किंगडम का, सॉरी, जो फाइव किंगडम थ्योरी का सेकेंड जो आपका किंगडम था, पहला था मोनेरा, दूसरा था जो प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई आएगा, मैं पढ़ाऊंगा आगे, कभी रिसेंट आगे इन फ्यूचर में लेके आऊँगा वीडियो, लेकिन अभी तक जो आपने ये समझा है ना, जो प्रोटिस्टा का, उसको ध्यान से इसको वापस बार बार वीडियो को देखिए, और मेरी जो एक वेबसाइट है eokrd.com, ठीक है, वेबसाइट क्या है, eokrd.com, इस वेबसाइट में मैं आपको वापस ये कि जो आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिन पॉइंट नोट्स बना दूंगा, वहाँ पे विजिट करके आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप एक बार वीडियो देखिए और उसके बाद में पॉइंट पढ़ लीजिए। उसमें भी कोई आपको कन्फ्यूजन है तो मेरे को कमेंट्स कर दीजिए,
या फिर मैसेज कर दीजिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और पिछले वीडियो में मैंने एक सवाल पूछा था कि जीवाणु सबसे अधिक किस में पाए जाते हैं, उसका मैं आज आपको जवाब देना चाहता हूँ, दे रहा हूँ। उसमें आपका मर्दा ऑप्शन जाएगा, मिट्टी, ठीक है। किसमें जीवाणु सबसे अधिक मर्दा में, मिट्टी में, सॉइल में पाए जाते हैं। ये एग्जाम में पूछा जा चुका सवाल बहुत बार, नीट में भी पूछा, NEET मेडिकल का जो एग्जाम वो होता है उसमें पूछा है, और छोटे बड़े कॉम्पिटिशन चाहे वो IAS का हो, SSC का हो, रेलवे का हो, रेलवे को मैंने एग्जाम दिया था किसका, इसका स्टेशन मास्टर को, उसमें पूछा गया था कि जीवाणु सबसे ज़्यादा किस में पाए जाते हैं, तो मर्दा ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगा है आपके लिए, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।